पेज नंबर 6 पर क्वेश्चन नंबर 1 से अब हमारा चैप्टर जो है वो चेंज होता है, और अब जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है कॉम्पेरेटिव एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट एज वेल एज इनकम स्टेटमेंट। इस चैप्टर में दो टाइप की स्टेटमेंट आपसे पूछी जा सकती हैं, नंबर वन कंपैरेटिव स्टेटमेंट, नंबर टू कॉमन साइज स्टेटमेंट। सबसे पहले भी बात करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होती है और इसको बनाने से आखिर क्या फ़ायदा, आखिर इसमें जानना क्या चाहते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना के। कंपैरिजन सबसे पहली बात तो कभी भी सिंगल का नहीं किया जा सकता, कंपैरिजन करने के लिए दो से ज़्यादा कम से कम डाटा होना चाहिए, दो या दो से ज़्यादा अगर नहीं है तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। हम एक दूसरे को आपस में चेक करना चाहते हैं कौन बेटर कौन वर्स, तो कंपैरिजन कभी भी पहली बात तो लाइफ में कभी भी सिंगल का नहीं हो सकता, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में ही कंपैरिजन किया जा सकता है। अच्छा, जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे, तो क्योंकि कंपैरिजन का क्वेश्चन करेंगे, आपको ऑलवेज 2 ईयर्स की इंफॉर्मेशन या डेटा मिलेगा। और अगर आप बैलेंस शीट का कंपैरिजन कर रहे हैं तो सबसे पहले उस बैलेंस शीट को आपको सिस्टमेटिक ऑर्डर में मेंटेन करना है, जो कि हमारा एज पर कंपनीज एक्ट परफॉर्म है उसके अंदर होना चाहिए। अगर आप अपना पहला क्वेश्चन देखें तो उसके अंदर आपको इसी तरीके से एक बैलेंस शीट गिवन है, लिखा भी है इसमें क्लियरली, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ABC लिमिटेड प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। दोनों सवाल पूछ लिए, कंपैरेटिव भी और कॉमन साइज भी। समझते हैं पहले कंपैरेटिव क्या था, उसके लिए कंपैरिजन तो बाद में करेंगे, सबसे पहले उसने जो डेटा दिया उसको सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करने। गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पे सारा का सारा डेटा बिल्कुल सिस्टमेटिक पहले से ही अरेंज है, जो बैलेंस शीट का परफॉर्मा हमारा होना चाहिए सारा का सारा डेटा सेम उसी फॉर्मेट में उसी कंटेंट में लिखा हुआ है। तो सबसे पहला काम तो क्या करना है, हमें थोड़ी सी नकल मार लेनी है, कॉपी पेस्ट कर लेंगे उसने जितनी इंफॉर्मेशन दे दी है 2 साल की, उसको पहले कॉपी पेस्ट कर लेते हैं क्या क्या उसने बताया। अगर मैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाऊं तो उसमें सबसे पहला पार्ट इसमें है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। और यहां पर हमें पता है इस इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर सबसे पहले हमारी शेयर होल्डर फंड की फिगर आएगी, और यहां पे गिवन है वो फिगर, शेयर होल्डर्स फंड। इसके दो पार्ट हो सकते हैं, नंबर वन शेयर कैपिटल और उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, और दोनों ही पार्ट यहां पे हैं भी। सबसे पहले शेयर कैपिटल है और बी पार्ट में रिजर्व एंड सरप्लस है। अभी फिगर डालते हैं, उसके बाद इसके अंदर सेकंड गिवन है करंट लायबिलिटीज, सीधा ही करंट लायबिलिटीज आ गए, नॉन करंट लायबिलिटीज नहीं है, तो यहां पे नाम लिख देते हैं करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में देखें तो दो टाइप की लायबिलिटीज है, सबसे पहले इसमें है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। सेकेंड इसके अंदर गिवन है हमारे को ट्रेड पेबल, उसके बाद फिर इसका टोटल कर दिया गया, हम भी टोटल कर लेंगे। फिर सेकेंड पार्ट शुरू हो रहा है, जो सेकेंड पार्ट रहेगा वो असेट्स का रहेगा, और असेट्स में सबसे पहले इसके अंदर है नॉन करंट असेट्स, जो नॉन करंट असेट्स है उसमें सबसे पहले फिक्स असेट बताई गई है, आगे का डेटा नहीं बताया गया इसके अंदर कि कौन टेंजिबल है कौन इंटेंजिबल है, बट ओनली फिक्स एसेट गिवन है। और फिर नेक्स्ट इसके अंदर गिवन है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर इसमें सेकंड हेडिंग है जो कि है करंट असेट्स की, और करंट असेट्स में तीन टाइप की करंट असेट्स बताई गई हैं, सबसे पहले है इन्वेंट्रीज, नेक्स्ट इज ट्रेड रिसीवेबल, एंड लास्ट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और फिर इसका टोटल होगा। ठीक है, अब इसके अंदर पहले जो फिगर है वो डाल देते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी आपको चेंजेस जो है वो लाने पड़ेंगे। क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो इसमें सबसे पहले करंट ईयर 2017 की इन्फॉर्मेशन गिवन है और फिर 2016, यहाँ पे आपको एक छोटा सा चेंज लाना है कि 2016 की इन्फॉर्मेशन, मतलब जो प्रीवियस ईयर है उसको आगे रखना है और जो करंट ईयर है उसको बाद में रखना है। तो अगर क्वेश्चन में इसी ऑर्डर में दिया तो अच्छी बात है, और नहीं दिया तो आपको इसका ऑर्डर बदल देना, तो यहाँ पे मैं ऑर्डर बदलना पड़ेगा, पहले 2017 है और फिर 2016 है, मैं पहले वो वाला डेटा लिखूंगा जो 2016 का है। ठीक है, तो 2016 में शेयर कैपिटल कितनी है,
5 लाख और रिजर्व एंड सरप्लस है 3 लाख। उसके बाद लॉन्ग टर्म सॉरी शॉर्ट टर्म बोरिंग नहीं है और फिर 2 लाख रुपीज के ट्रेड पेबल है, टोटल फिगर है 10 लाख। इसके साथ आगे कंटिन्यू करें तो फिक्स एसेट हमारे पास 5 लाख रुपीज की है। नेक्स्ट इज 1 लाख नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर 1 लाख रुपीज का इन्वेंट्रीज है, 2 लाख रुपीज का हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल है और 1 लाख रुपीज का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, टोटल इज 10 लाख। क्लियर है? और जो 2017 जिसका डेटा पहले दिया उसको हम बाद में लिखेंगे। फिगर रहेगी हमारी 7,50,000, नेक्स्ट इज 5 लाख, उसके बाद 1 लाख और देन उसके बाद है 1,50,000, टोटल इज 15 लाख। इधर यहाँ पे फिगर लिखेंगे तो 9 लाख है, देन 3 लाख, 1 लाख, कुछ भी नहीं है और उसके बाद 2 लाख, टोटल इज 15 लाख। क्लियर है? तो ये दो कॉलम में तो अभी तक तो हमने कुछ अपना दिमाग लगाया नहीं, सिर्फ एक चीज़ की एक अदला बदली हमने कर दी, एक फाइनेंशियल ईयर को आगे और पीछे कर दिया। इसको करने का भी एक खास कारण है क्योंकि कंपैरिजन हमेशा करंट मतलब प्रीवियस से फ्यूचर की तरफ जाते हैं। आपको अगर 5 साल दिए हों तो पहले 2015, फिर 16, फिर 17, फिर 18, तो ऐसे ही कंपैरिजन करना बेटर रहता है। जब बात बैलेंस शीट के प्रेजेंटेशन की होती है हम करंट ईयर पहले दिखाते हैं, लेकिन अगर कंपैरिजन की है तो पास्ट से शुरू करते हुए करंट की तरफ आते हैं। इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, अपने ईयर को बदल देते हैं, पहले फिगर क्या थी और अब फिगर क्या है, और हमें करना है कंपैरिजन। तो कंपेयर मैंने भी पहले आपको बता दिया, क्या दो डेटा को आपस में मिला के देखना पड़ेगा भैया कौन पहले से बड़ा हो गया और कौन छोटा हो गया। कंपैरिजन दो के बीच में होगा, जो बड़ा हो जाएगा तो कितना बड़ा हो गया ये बताओ, अगर छोटा हो गया तो कितना छोटा हो गया बताओ। तो हमें अब दोनों को क्या करना है, आपस में कंपेयर करना है। सबसे पहली फिगर शेयर कैपिटल, 5 लाख थी भाई पहले तो, अब कितनी हो गई है, 7.5 लाख। बताओ क्या चेंज हुआ इसके अंदर, कितना कम डिफरेंस निकला, 2,500 रुपये हमने कंपेयर किया और हमें एक नया कॉलम मिलेगा क्या चेंज का। अगर फिगर आपकी बढ़ गई है तो आप उसे ऐसे लिख देंगे और अगर फिगर घट जाएगी तो उसे ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, कंपेयर करने का यही मतलब है। ठीक है, चलिए अगली फिगर, 3 लाख की थी पहले अगली फिगर रिजर्व की, जो कि अब बढ़कर कितने की हो गई है, 5 लाख की। तो कंपेयर करने पर हमें पता चला कि भाई इसके अंदर 2 लाख रुपये का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है जी, अगली फिगर, पहले तो बैलेंस नहीं था और अब 1 लाख का बैलेंस है, तो 0 बैलेंस से 1 लाख हो गया, तो ये भी 1 लाख इंक्रीज ही हुआ बोलेंगे। और फिर ये 2 लाख थे पहले लेकिन अब कितने बचे हैं, 1.5 लाख, तो हम बोलेंगे कंपेयर हमने कर लिया और ये 50,000 क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, अगर कम हो गया फिगर तो ब्रैकेट में और बढ़ रही है तो बिना ब्रैकेट के। टोटल में भी बढ़ोतरी हुई है, 10 लाख से हो गया 15 लाख, तो कितने का, 5 लाख रुपीज़ का इंक्रीज है। सबको क्लियर है, ईजी वर्क है, कोई ज़्यादा खास मुश्किल नहीं है। यहाँ पे बताइए 5 लाख से बढ़कर हो गया 9 लाख, तो मतलब 4 लाख रुपीज़ इंक्रीज हुए हैं, 1 लाख से 3 लाख, 2 लाख रुपीज़ इंक्रीज हुए हैं, 1 लाख का 1 लाख तो कुछ भी इंक्रीज नहीं है, इसे जीरो भी लिख सकते हैं कि भाई जीरो चेंज है, ना बढ़े ना घटे। 2 लाख से हो गया 1 लाख, ये 2 लाख रुपीज़ डिक्रीज हो गया पूरे के पूरे, पहले 2 लाख थे अब 0 बैलेंस है, तो इसे क्या बोलेंगे भैया, डिक्रीज हो गया। और ये 1 लाख से हो गया 2 लाख, मतलब 1 लाख इंक्रीज है और लास्ट में 5 लाख का भी इंक्रीज है। क्लियर है? ये हमने चेंज निकाल लिया, कंपेयर हमने कर लिया। अब ये जो आपने कंपेयर करके जो रिजल्ट निकाला है उसको एब्सोल्यूट परसेंटेज में कितना है ये उसको डिफाइन करना है, जिसे हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज ऑफ चेंज। कैसे निकालेंगे उसके लिए मैं सिर्फ 2 ही कॉलम यूज करने हैं। नंबर 1 कॉलम जो आपने ये जो डिफरेंस निकाला है वो होगा, और नंबर 2 जो हमारा ओल्डेस्ट ईयर है, जो सबसे ओल्डेस्ट ईयर है उसको हम बनाते हैं बेस। बेस अगर आप बिल्डिंग के पॉइंट से तो बेस सबसे ऊपर वाली मंजिल को बोलते हैं, सबसे नीचे वाली मंजिल को बोलते हैं, सबसे नीचे जहां से शुरुआत होती है। तो हमारे इस 2016 से 17 में आए होंगे, तो बेस 2016, उसके बाद हम मूव करके कहां गए, 2017 में। तो बेस ईयर सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना, और बेस ईयर हमारा क्या होगा, जो सबसे ओल्डेस्ट ईयर है, तो उस हिसाब से हमारा ओल्डेस्ट ईयर क्या बना इसमें, 2016 बेस ईयर। और अब हमने जब इसको चेंज से उसको हमने करंट ईयर से कंपेयर किया तो इतना हमें चेंज मिला। लास्ट स्टेप है, आपको ये जो चेंज हुआ है बेस के कंपैरिजन में परसेंटेज में कितना है, कैसे, हर बार यहां पे जो फिगर है वो और उसके बेस में जो फिगर है उससे डिवाइड कर दीजिए, 2.5 लाख को 5 लाख से डिवाइड कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई की तो परसेंटेज मिल जाएगी आपको। तो ये तो आधी रकम है, 2.5 लाख को अगर मैं 5 लाख से कंपेयर करूँ, आधी रकम नहीं है, और आधी रकम को परसेंटेज में बोले तो कितना जवाब बोलते हैं जी, 50% है। आपको हर बार ये काम करना है। अब क्या करेंगे, 2 लाख डिवाइड बाय 3 लाख, और 2 लाख डिवाइड बाय 3 लाख 2/3 होता है, 1/3 करें तो 33% होता है, 2/3 करें तो 66% हो गया, 66.67%।
अच्छा, मोस्टली परसेंटेज ऐसी आएंगी जो ऑरली बिना किसी कैलकुलेटर के, बिना कोई वर्किंग के, वैसे ही इजीली मेमोराइज करके ही आप निकाल सकेंगे, बिल्कुल सिंपल होगी। जैसे यहाँ पे देखो, अब 1 लाख है, इधर तो जीरो है, और ध्यान रखना अगर किसी के बेस में जीरो ना, तो उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकती। हम बोलेंगे भैया यहाँ पे तो ये नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे कोई परसेंटेज बता ही नहीं सकते, आपका बेस तो कुछ होना चाहिए, आप तो बेस लेस है हम यहाँ, तो इसलिए यहाँ पे परसेंटेज नहीं निकल सकती। 50,000 बेस में क्या है, 2 लाख। अगर 50,000 के नीचे 2 लाख रखें तो 1/4 होता है, और मैथमेटिक्स में 1/4 का मतलब परसेंटेज में 25 होता है। मैं सीधा यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ जी, 25%। लेकिन लेकिन यहाँ की जो फिगर है वो ब्रैकेट में थी, इसलिए जो परसेंटेज भी होगी वो किस में होगी, ब्रैकेट में, बस इतना सा ध्यान रखना। अब यह 5 लाख, बेस में कितना रखेंगे, 10 लाख, ये तो आधा हो गया, और आधा हो गया तो परसेंटेज में क्या निकलेगा, वो 50%। इधर है 4 लाख, इधर है 5 लाख, 4/5, 1/5 रह गया, और 1/5 20% होते हैं, तो 4/5 कितना होना चाहिए, 80% होना चाहिए। 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, अच्छा इस बार ये डबल हो गया, 2 लाख है और बेस में कितना है, 1 लाख, डबल को मतलब परसेंटेज में 200%, 3 गुना हो जाए तो 300%, 4 टाइम्स हो जाए तो 400%। परसेंटेज की खास बात यह है कि जरूरी नहीं है वो 100 से कम ही हो, 200, 300, 400 भी आ सकती है। तो यहाँ पे 200% का चेंज है, यहाँ पे जीरो, जिसके ऊपर जीरो हो उसकी परसेंटेज भी जीरो ही होती है, नीचे जीरो तो इनफाइनेट होता है, लेकिन अगर ऊपर जीरो हो तो 0% है। भाई पहले भी 1 लाख, अभी भी 1 लाख, तो 0% चेंज है। अच्छा, यहाँ पे 2 लाख और यहाँ पे भी 2 लाख, ऊपर भी 2 लाख और नीचे भी 2 लाख, बराबर हो गए, मतलब ये 100% है। लेकिन ये तो फिगर ब्रैकेट में थी, इसलिए इसको भी किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, ये भी बराबर है, इक्वल है, तो परसेंटेज में क्या जवाब होगा, भाई तुम भी 100% हो। और यहाँ पे है 5 लाख और यहाँ पे है 10 लाख, हाफ हो गए, हाफ मतलब कितना, 50%। क्लियर है मैथमेटिक्स क्या हुआ इसके अंदर, ये हमारा मैथमेटिक्स जो कि हमने किया, और ज़्यादा कुछ खास नहीं करना पड़ा, सिर्फ आपको 2 चीज़ों का इसमें ध्यान रखना है। सबसे पहले तो उसके कॉलम को उल्टा पुल्टा करना पड़ सकता है, बाकी तो उसने डेटा अरेंज किया, फिर आपको इसमें चेंज निकाल के बस परसेंटेज निकालना है, जो कि काफ़ी ईजी है, ठीक है। अच्छा, इससे हमें पता क्या चलता है, फिर ये हमने स्टेटमेंट बनाई, इससे हमारे को नॉलेज क्या मिली, इससे हम देख सकते हैं कि हमारे कौन सी चीज़ पे कितना हमारा इम्पैक्ट जो है वो करंट ईयर में पड़ गया। लाइक हमारी जो शेयर कैपिटल, देखो पहले से कितने परसेंट बढ़ी है, 50%, जो कि हमारे को इस बात को इंडिकेट करते हैं कि बिजनेस में नया फाइनेंस आया। अच्छा, रिजर्व भी हमारे बढ़े, मतलब प्रॉफिट भी हमारा बढ़ा है, और इवन हमने काफ़ी इंक्रीज किया प्रॉफिट में, 66% का हमारा इंक्रीज है, और ट्रेड पेबल हमारे घट रहे हैं। अगर मैं इस बात को, सिर्फ इतनी बात को फोकस करूँ, जिससे पता चलता है बिजनेस हमारा अपवर्ड टेंडेंसी में चल रहा है, लोन हमारे घट रहे हैं, रिजर्व हमारे बढ़ रहे हैं, और कैपिटल भी हमारी बढ़ रही है। अच्छा, उसका यूटिलाइजेशन देखो, जितने हमारे फंड बढ़े हैं उसमें मोस्ट ऑफ द फंड कहाँ पे यूज हुआ है, फिक्स असेट को एक्वायर करने में यूज हुआ है, साफ नजर है। 80% हमारी फिक्सड बढ़ गई है पिछले साल के कंपैरिजन में, मतलब पक्की बात, आपने न्यू प्रोजेक्ट्स वगैरह शुरू किए होंगे तभी आपको इतनी फिक्स असेट खरीदनी पड़ी है। उसके अलावा आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में भी बढ़ोतरी है, मतलब आपके पास फंड स्पेयर था, ना केवल आपने फिक्सड खरीदी, फिर भी आपके पास फंड स्पेयर था, जिसकी वजह से आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है, वरना इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ती। और उसके अलावा देखो, हमारी इन्वेंट्रीज के अंदर कोई चेंज नहीं है, तो हमने नया प्रोजेक्ट लगाया लेकिन इन्वेंट्री नहीं बढ़ रहे, मतलब मे बी जो रीज़न है, मैं इसके अंदर भी फाइनल कंक्लूजन, या मे बी रीज़न है कि अभी वो प्रोजेक्ट जो है लेकिन स्टार्ट नहीं कर पाए, हमने फिक्स सेट अरेंज करना शुरू कर दिया लेकिन अभी स्टार्ट नहीं है, क्योंकि जब स्टार्ट होगा तो हमारे इन्वेंट्रीज भी बढ़ते। अभी हमारा पुराना प्रोजेक्ट चल रहा है, नई कंस्ट्रक्शन का वर्क शुरू हो गया शायद, जिसकी वजह से हमारे इन्वेंट्रीज नहीं इंक्रीज हुए। और यहाँ पे क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल में हो गया डिक्रीज, बिजनेस की गुड फाइनेंशियल पॉजिशन चल रही है, 100% मैंने उधार का चक्कर खत्म, भाई नगद सामान बेचेंगे, पिछले साल डेटर थे और अब डेटर खत्म हो गया, हमारी पॉलिसी बदल गई है, हम लोगों को सिर्फ कैश बेसिस पर सामान बेच रहे हैं, उधार हमने खत्म कर दिया। और उसके अलावा देखिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी सफिशियंट इंक्रीज हुआ है। इस कंपैरिजन के बाद मैं फाइनली ये वर्डिक दे सकता हूँ कि कंपनी ने इस साल अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है, चीज़ों में बहुत फेवरेबल चेंजेस आए हैं, और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन भी बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी है, फिक्सड भी बढ़ी है। हाँ, लेकिन जो नया प्रोजेक्ट है वो मे भी शायद अभी कंपनी ने स्टार्ट प्रैक्टिकली नहीं किया, बात समझ रही है। तो कंपैरिजन से कंपनी के बारे में बहुत सारी एक वाइटल इन्फॉर्मेशन छुपी हुई जानकारी आपको सिर्फ कंपैरिजन करने से पता चल सकती है, ठीक है, कंप्लीट है। सेम क्वेश्चन जिसे अभी हमने थोड़ी देर पहले कंपैरेटिव बैलेंस शीट के फॉर्म में सॉल्व किया, अब दूसरे टाइप की हम स्टेटमेंट बनाने वाले हैं, जिसे हम बोलते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट।
कॉमन सबसे पहले किस चीज़ को बोला जाता है, जो सिमिलर हो। अगर दो डेटा सिमिलर फॉर्मेट में हो तभी उसे कॉमन बोला जा सकता है, वरना वो कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन साइज हम बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें जो 2016 की फिगर है, अच्छा मुझे बता सकते हो 2016 का टोटल अमाउंट कितना है? 10 लाख, यही है टोटल अमाउंट। और 2017 का टोटल अमाउंट कितना है? 15 लाख। ये तो भाई कॉमन नहीं है। कॉमन हम उसे बोलते हैं जिसमें डेटा बिल्कुल एक्यूरेट सेम परसेंटेज में या सेम वैल्यू में हो। तो यहाँ पे अगर ध्यान से 10 लाख और 15 लाख कंपेरेबल नहीं है एक फॉर्म में, कि भैया एक 10 लाख है और एक 15 लाख है, इन्फ्लेशन, उसके अलावा मार्केट के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट चेंज हो रही है, तो हम इसे क्या करने वाले हैं? कॉमन कन्वर्ट करने वाले हैं। और कॉमन कन्वर्ट करने का सबसे इजी फॉर्म इसमें ये है कि हम इन दोनों को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें। कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहा है जिसमें उसके मार्क्स 100 में से आएंगे, कोई दे रहा है एग्ज़ाम जिसमें उसके मार्क्स 500 में से आएंगे, कोई दे रहा है एग्ज़ाम जिसमें उसके मार्क्स 1000 में से आएंगे। बताओ अगर एग्ज़ाम में उनके पूरे पूरे मार्क्स आ रहे हैं तो बताइए परसेंटेज में पूरे मार्क्स आ गए तो परसेंटेज में कितने मार्क्स आए बोले जाएंगे? 100%। और 500 में से 500 आ गए तो परसेंटेज में कितने बोले जाएंगे? तब भी 100%, 500% नहीं बोले जाएंगे कि 500 में से 500 आ गए तो 500%, 100 में से 100 आए थे तो 100%, 500 में से 500 आए तब भी 100%, और 1000 में से 1000 आ गए तो 1000% क्या? 100%। परसेंटेज की ब्यूटी है कि दो डिफरेंट वैल्यूज को भी वो परसेंटेज में बदले तो 100 में ही कन्वर्ट होती है। ठीक है, अभी तो कॉमन है, यहां से तो कॉमन नहीं है। 100 अलग बात है, 500 अलग बात है, 1000 अलग बात है, लेकिन परसेंटेज 100 100 100 सेम बात है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो टॉपिक है कॉमन साइज, ये हमें डिफरेंट लेवल को भी आपस में कंपेयर करने की पावर देता है। मैं ए बिजनेस जिसके अंदर ए लिमिटेड एक छोटी कंपनी है और एक बी लिमिटेड जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, जिसकी कैपिटल 10 लाख रुपए है, जिसकी कैपिटल 10 करोड़ रुपए है, कंपेयर कर सकता हूं, नॉट इन कंपेरेटिव स्टेटमेंट बट इन कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसकी कैपिटल भी 100% में कन्वर्ट हो जाएगी और इसकी कैपिटल भी 100% में कन्वर्ट हो जाएगी, तो मैं इनका आपस में कंपेरिजन कर सकूंगा। दो डिफरेंट लेवल को भी कॉमन साइज कंपेरेबल बना देते हैं। बात समझ में आ गई है? तो ये जो टॉपिक है उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, डिफरेंट लेवल को आपस में इक्वल करने वाले हैं, और उसका सबसे बेस्ट वे है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको 100% बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले 2016 जो टोटल है उसको 100% में कन्वर्ट कर लेंगे, और इंडिविजुअल जितनी भी वैल्यू है उसे उस टोटल से डिवाइड करके उनकी भी परसेंटेज निकाल लेंगे। जैसे एग्जाम होता है तो मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं वो 100% होते हैं। अब किसी के ज़रूरी नहीं है उतने ही मार्क्स हैं। हो सकता है हमने एग्ज़ाम लिया जिसके अंदर टोटल 500 मार्क्स थे, 500 पूरे आए तो 100%, अगर 400 आए तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं और उसकी परसेंटेज बता देते हैं, भैया तू 80%। अगर बाई चांस उसके मार्क्स 250 आए हैं तो हम बोलेंगे आधे मार्क्स आए हैं, परसेंटेज में कितना हो गया? 50%। तो हम क्या करने वाले, हर एक फैक्टर की टोटल के कंपैरिजन में कितनी परसेंटेज वैल्यू निकलती है वो निकालने वाले। कैसे? सबसे पहले 2016 फर्स्ट वैल्यू क्या है? 5 लाख, और इसका टोटल कितना है? 10 लाख। तो बताइए 5 लाख 10 लाख का कितना परसेंट है? आधी रकम। 5 लाख डिवाइड बाई 10 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज में उसको क्या बोलेंगे? भाई तू 50% है टोटल का। 3 लाख 10 लाख का, क्योंकि टोटल 10 लाख है, कितना परसेंट है? 30%। और ये कितना हो गया? 20%। और यहाँ पे तो परसेंटेज निकलेगी क्योंकि वैल्यू नहीं है, और खुद क्योंकि टोटल ही हो गया, टोटल को टोटल से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100%। और इसकी एक ब्यूटी है कि आपकी जो टोटल ऑफ परसेंटेज है वो मैच भी करेगी। तो भाई इस कंपनी के अंदर 50% कहाँ से आ रहा है? 50% इसका आ रहा है कैपिटल से, 30% इसमें कहाँ से आ रहा है? रिजर्व से, और इस कंपनी के पास ट्रेड पेबल जस्ट 20% है। अच्छा इधर आ जाते हैं, 5 लाख डिवाइड बाई 10 लाख कितना? 50%। 1 लाख डिवाइड बाई 10 लाख कितना? 10%। और उसके बाद 1 लाख डिवाइड बाई 10 लाख फिर से 10%। 2 लाख कितना हो जाएगा? 20%। और 1 लाख कितना हो जाएगा? 10%। इन सबको ऐड करोगे तो 100% आएगा ही आएगा। हमें कैपिटल स्ट्रक्चर और इसकी इन्वेस्टमेंट का स्ट्रक्चर परसेंटेज में मिल गया। अब ये बी कंपनी हो या चाहे इसी साल की अगले साल की परफॉर्मेंस, चेक करते हैं कि अब क्या बात हो गई, अब हमारा कैपिटल का कंपोजिशन उतना ही परसेंट है या फर्क हो गया। तो पहले 10 लाख टोटल था, अब कितना हो गया? 15 लाख। बताइए 7.5 लाख 15 लाख का कितना परसेंट होता है?
आधा ही होता है और एक परसेंटेज में 50 ही है, 5 लाख डिवाइड बाय 15 लाख और ये हो जाता है 33.3%, 1/3 है भाई। 1 लाख डिवाइड बाय 1,50,000 ये हो जाएगा 15 लाख, तो 1/15 करने से फिगर आ रही है 6.7%, और ये एक्यूरेट 10% आएगा। 1.5 लाख डिवाइड बाय 15 लाख करें तो कितना होता है एक्यूरेट 10%, और यहाँ पे आके फिगर हो जाएगी 100%। देखो दोनों के अंदर टोटल लेवल पे दोनों कॉमन हो गए, 100% था 10 लाख भी और 100% ये आया 15 लाख भी। अच्छा बात करते हैं अब यहाँ पे 9 लाख, 9 लाख डिवाइड बाई 15 लाख 60% है भाई, ये 3/5 हो गया मतलब ये 60% है। 3 लाख डिवाइड बाय 15 लाख कितना 1/5, 20%, ये फिगर हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी 1 लाख से कंपेयर करके 6.7%, यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं निकल सकेगी और ये हो जाएगी 13.3%। इसका डबल किया मैंने जस्ट, और टोटल कितना होगा 100%। अब मैं एक अलग तरीके की सोच के साथ इसका कंक्लूजन दे सकता हूँ, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कंपैरिजन करके दिया था, इस बार मैं दूसरे फॉर्म में। भाई तुम्हारी कैपिटल पहले की तरह 50% है, रिजर्व में एज ए होल अगर देखा जाए तो कितने की बढ़ोतरी हुई है 33%, जो कि गुड फैक्टर है। पहले लोन नहीं था, अब एक आपने क्या किया, ट्रेड पेबल आपके कम हो गए और थोड़ा सा लोन आ गया, ट्रेड पेबल में 10% की कमी हो गई है कंपैरिजन करने से पता चल रहा है, और आपका जो लोन है उसमें बढ़ोतरी हो गई है हमारी ओवरऑल, लेकिन आपका तब भी 3.3% जो है वो रिजर्व इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू लायबिलिटीज। इधर बात करें, अच्छा काम हुआ है, हमने जो फंड्स न्यू रेज किए हैं उसमें से 60% हो गई है हमारी, पहले हमारी फिक्स्ड में कितनी मनी थी 50%, अब हमारी फिक्स्ड में ये कितने पैसे लगे हुए हैं 60%। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी हमारी बढ़ गई है, हाँ हमारी इन्वेंट्रीज में एज ए होल कमी आई है। पिछली बार जब हमने कंपेयर किया था तो मैंने कहा था कि पुराना स्टॉक ही मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन भाई एक चीज़ समझ लेना, इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो कुछ तो स्टॉक भी बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आपका लेवल चेंज हो गया आपका स्टॉक सेम नहीं रह सकता। पहले हम 2 लाख रुपए का सामान बेचते थे तो 20,000 का स्टॉक रखते थे, कब, जब 2 लाख का सामान हम बेचते थे। अब हमने 4 लाख का सामान बेचना शुरू कर दिया तो स्टॉक भी आपको बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, उतने ही स्टॉक से 4 लाख का आउट ऑफ स्टॉक हो जाओगे आप। तो ऐसी सिचुएशन में अगर 2 लाख के लिए हमें 20,000 का स्टॉक रखना चाहिए और 4 लाख के लिए कितना स्टॉक रखना चाहिए 40,000, यहाँ पे कंपेयर करके पता चल रहा है कि हमने स्टॉक में इंक्रीज नहीं किया। स्टॉक में हमारा इंक्रीज होना चाहिए था, पिछली बार तक हमारा स्टॉक कितना था, अपनी इन्वेस्टमेंट का 10% हमने स्टॉक रखा हुआ था, इस बार हमारा स्टॉक कितना रह गया 6.7%। यहाँ पे थोड़ा सा मे भी कुछ ध्यान देने वाली बात हो सकती है। अच्छा ट्रेड रिसीवेबल खत्म हो गया, पहले उधार देते थे बिल्कुल भी उधार नहीं है, और हमारा कैश इक्विवेलेंट में भी इंक्रीज हुआ है 3% का हमारा इंक्रीज है, समझ आई बात ये। तो ये 2 डिफरेंट लेवल को कंपेयर करने की हमें एबिलिटी देते हैं, कब, जब हम कॉमन साइज बनाते हैं। इवन 2 डिफरेंट लेवल को कंपेयर करने की एबिलिटी देता है जब हम कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं, वरना ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, छोटी कंपनी और बड़ी कंपनी का कंपैरिजन नहीं हो सकता, लेकिन इस तरीके से छोटी कंपनी और बड़ी कंपनी का भी कंपैरिजन हो सकता है। क्लियर है?